नमस्कार शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं मेजबिन फातिमा आज आपसे विजुअल आर्ट के एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन विद डिफरेंट मेथड ऑफ विजुअल आर्ट्स के बारे में बात करूंगी। तो आइए देखते हैं कि विजुअल आर्ट दृश्य कला में के विभिन्न तरीकों की खोज एवं प्रयोग, ड्राइंग और पेंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, कोलाज मेकिंग एक्सेट्रा। यानी दृश्य कला, जब भी हम बात करते हैं दृश्य कला की, तो दृश्य कला के में कौन कौन से माध्यम के बारे में, किस तरीके से अपने आप को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं ड्राइंग के तरीके और उसके प्रकार के बारे में। ड्राइंग एंड पेंटिंग, फेदरिंग, पेंसिल शेडिंग। पेंसिल शेडिंग करते समय हाथों पे कंट्रोल होना चाहिए, यानी हल्के हाथों से शेडिंग देनी चाहिए जिससे ड्राइंग में सॉफ्टनेस रहे। फेदरिंग टेक्निक में प्रायः पेंसिल की लाइन हर टोन की दिखाई देती है। सबसे पहले ड्राइंग करके 2B पेंसिल से हल्के शेडिंग पहली टोन, फिर 4B से दूसरी टोन देनी चाहिए। फिर उसके बाद जो हमें लास्ट फिनिशिंग लाइन होती है, उस फिनिशिंग लाइन में हमें थर्ड टोन देने के बाद हम 6B पेंसिल यूज़ करेंगे, और 8B के लिए जो हमें एकदम फिनिशिंग और कहीं कहीं डेप्थ देने के पर्पज से हम 8B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस पेंसिल में उसमें हम देख सकते हैं ड्राइंग में कि इसमें मैंने आपको पेपर पे फर्स्ट टोन शो किया है कि फर्स्ट टोन में जैसे पहले जो स्ट्रोक होगा, हम स्ट्रोक में फेदरिंग के थ्रू इसमें हमें हर लाइन के स्ट्रोक्स क्लियरली विजुअल हो रहे हैं। तो इस ट्री बनाते वक्त हमने देखा कि ब्रांचेस जब हम बना रहे हैं तो सबसे पहले हमने फर्स्ट टोन अप्लाई किया, देन उसके बाद हमने सेकेंड टोन अप्लाई किया 4B पेंसिल से, फिर थर्ड टोन अप्लाई किया तो वो हमने वहाँ पर 6B पेंसिल यूज़ की, और जहाँ बहुत ज़्यादा डार्क स्टोन है और फाइन लाइन जब उसको करना होता है तब हम वहाँ पर 8B पेंसिल का यूज़ करते हैं। तो फेदरिंग टेक्निक में आपको ध्यान रखना है कि उसमें लाइंस जो होंगी वो क्लियरली विजिबल होंगी। नेक्स्ट, उसके बाद जो हम पेंसिल से ड्राइंग करते हैं और शेडिंग करते हैं, उसमें जो दूसरी टेक्निक है उसे हम कहते हैं ब्लेंडिंग। प्रत्येक जो भी आपको कभी भी हम कोई जब शेडिंग करते हैं तो प्रत्येक शेड एक दूसरे के साथ स्पष्ट रूप से मिक्स हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग कहते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल है, जैसे फर्स्ट स्टेप जब हम ड्राइंग का करते हैं तो पहला आप वो आउटलाइन बनाते हो, एक कोई आकार बनाते हो, उस आकार को फिर उसके बाद फर्स्ट स्टेप से जब हमने जितने भी स्टेप्स बना रखे हैं, जो भी ड्राइंग सेकेंड स्टेप में आप देखो कि उसमें हमने 2B पेंसिल से फिर उसको उसमें अप्लाई किया, फिर 3B, 3rd B, 4th B और 6B पेंसिल यूज़ किया। अब उसमें 6B और 4B में हमने काइंडली उसको बहुत अच्छे से मर्ज कर दिया है। तो मर्ज करने के बाद हम ये देखते हैं कि जो मर्जिंग है, जो मिक्सिंग है, वो उसमें क्लियरली मैच हो गई, मिक्स हो गई बहुत अच्छे तरीके से। तो ये जो मिक्सिंग है ये हम एयरबड से भी कर सकते हैं, या आप एक ब्लेंडिंग टूल आता है, ब्लेंडिंग टूल से भी हम इसे मिक्स कर सकते हैं, या हम कभी कभी क्या करते हैं फिंगर से भी हम उसे रब कर लेते हैं। यानी जो भी टोन है, जितने भी हमने वेरिएशंस में पेंसिल्स अप्लाई किए हैं उसको हमें मिक्स करना है क्लियरली, जिसमें उसे स्ट्रोक ना दिखें। तो ये है ब्लेंडिंग टेक्निक। फिर हम थर्ड टेक्निक की बात करेंगे, रबिंग। यानी कोई भी जब खुरदुरा सतह लेते हैं तो उस खुरदुरे सतह में हम उसके ऊपर पेंसिल को धीरे धीरे फेरते हैं। जैसे हम इस ड्राइंग में देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारी लीव्स होती हैं, है ना, हम वेस्ट आउट है, एक उसमें सरफेस होता है। अब उसके ऊपर जब आप कोई भी अपना कार्टेज शीट जब रखोगे, तो कार्टेज शीट रखने के बाद जब पेंसिल से धीरे धीरे आप रब करते हैं तो हमें इस तरह से डिज़ाइन, उसके जितना जो शेप रहती है, जो आकृति रहती है, वो बारीकियाँ उसे हमें अपने पेपर पे मिल जाती हैं। तो इस तरह से रबिंग स्टाइल से भी हम अपने जिस तरीके से हम भी अपने डिज़ाइन प्राप्त कर सकते हैं। फिर ये थर्ड स्टाइल हो गई, यानी ड्राइंग और पेंटिंग। इसे हम पेंसिल के थ्रू भी कर सकते हैं, ग्रेफाइट, सिंपल ग्रेफाइट पेंसिल से द्वारा भी, या हम इसे कलर पेंसिल के द्वारा भी कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका उपयोग हम जो कलर वाटर कलर की जो पेंसिल्स होती हैं जल रंग की तरह, उसे उसमें भी हम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद इसके जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको सिर्फ ये दिया है कि पत्तियाँ हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की। पत्तियों के अलावा आप कोई भी सरफेस ले सकते हैं, जैसे क्वाइन होती हैं जिसका भी सरफेस खुरदुरा है, और उसके ऊपर आप पेपर रख करके उसको रब कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें हम ये देखते हैं, इस पेंटिंग में देखिए, जैसे क्लियरली एक है, पहले मैंने नीचे लीव रखी, फिर उसके ऊपर हम पेपर रखेंगे। पेपर रखने के बाद आपको धीरे धीरे क्रेयॉन या आप कलरफुल पेंसिल उसके ऊपर शेड करेंगे, तो उसके बाद आप वो ड्राइंग आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें हम हैचिंग की बात करते हैं। हैचिंग जो है एक कलात्मक टेक्निक होती है जिसका उपयोग प्रायः
छायांकन प्रभाव बनाने के लिए किया जाता है, जो कि बारीकी से फैले समांतर रेखाओं को खींचकर बनाते हैं। जब लाइनों को एक दूसरे को कोण पर रखा जाता है तो उसे हम क्रॉस हैचिंग कहते हैं। इसके जैसे हैचिंग जो टेक्निक है, वो हैचिंग टेक्निक में सिर्फ अगर आपके समानांतर लाइनें होनी चाहिए, लेकिन उन लाइनों को जब हम क्रॉस करते हैं तो उसे हम क्रॉस हैचिंग टेक्निक भी कहते हैं। जैसे इसमें हम मैंने कई सारे आपको हैचिंग स्टाइल के टेक्निक दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ सिमेट्री लाइन दी है, उसके बाद जो दूसरा स्टेप है उसमें मैंने आपको क्रॉस हैचिंग का एग्जाम्पल दिया। अब क्रॉस हैचिंग में भी आप ये देख सकते हैं कि उसके लाइंस को आप इक्वल रख सकते हैं, कहीं और बहुत ज़्यादा और समीप कर सकते हैं, उसे और ज़्यादा डेप्थ क्रिएट करने के लिए और ज़्यादा लाइंस ऐड कर सकते हैं। तो क्रॉस हैचिंग में उसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें हम ये देखते हैं कि और किस तरह से टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे पॉइंटिलिज्म, ये एक पॉइंटिलिज्म है जिसमें हम जो हम प्राथमिक स्तर पर बहुत अच्छे तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कोई भी छवि बनाने के लिए पैटर्न में रंग के छोटे छोटे विशिष्ट डॉट लगा सकते हैं। ये जल रंगों मोस्टली जैसे ये जल रंग से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पोस्टर कलर हो गया, और एयरबड के द्वारा फेल्ट पेन स्केच पेन से बिंदु बनाकर कलाकृतियों का निर्माण कर सकते हैं। मोस्टली हम इसमें छोटे बच्चों को, यानी फर्स्ट सेकंड या फोर्थ क्लास के बच्चों, थर्ड क्लास में जो हम एयरबड से जब हम वाटर कलर का जो फर्स्ट स्टेप होता है, जब हम कलर भरना बच्चों को सिखाते हैं, तब हम वहाँ पर पॉइंटिलिज्म का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और इसे हमें और ज़्यादा डिटेल अगर हम देना चाह रहे हैं तो डिटेल के लिए हम फेल्ट पेन यूज़ कर सकते हैं, स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हैं। इसका हम उसके बिंदु के थ्रू और हम उसको अपनी आर्ट फॉर्म को डेवलप करते हैं। जैसे इन एग्जांपल में यहाँ पर आप देखिए, जैसे एक यहाँ पर मैंने सीन बनाया है, प्लांट है और उसमें पेड़ है और पेड़ के साथ उसकी दृश्य छाया। अब उसमें डॉट के थ्रू ही, डॉट के माध्यम से ही आप जो, अगर थोड़ी आपकी बड़ी क्लासेस हैं जैसे फोर्थ या फिफ्थ को आप पढ़ा रहे हो, तो वहाँ पर आप ये डॉट लाइन बहुत डिटेल में ऐड करना सिखा सकते हैं। अब ये हम एयरबड के थ्रू भी, वाटर कलर के माध्यम से भी करवा सकते हैं, या अगर हम चाहें इसे तो स्केच पेन, फेदर, फेल्ट पेन एक्सेट्रा और दूसरे माध्यम से भी बिंदु के द्वारा हम यहाँ पर प्रेजेंटेड करते हैं। तो इसे हम पॉइंटिलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वाटर कलर पेंसिल। अब हम ये समझेंगे कि नेक्स्ट विजुअल आर्ट में जो हमारा है उसमें हम क्या है, वाटर कलर पेंसिल को हम ज़्यादातर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो पेंसिल हम नॉर्मल, हम ये देखते हैं कि पेंसिल तो हम यूज़ करते हैं, बट हम वाटर कलर पेंसिल को कैसे यूज़ करेंगे। तो वाटर कलर पेंसिल को जब हम देखते हैं तो ज़्यादातर लेयरिंग के माध्यम से, यानी परत दर परत उसे लगाया जाता है। रंगों को मिलाने के लिए सबसे पहले एक रंग लगाएं, जब वो अच्छी तरीके से सूख, पहले एक आपने रंग कलर लगाया, एक परत लगाते हैं, फिर उसके ठीक ऊपर दूसरी परत लगाते हैं। तो पानी की जब हल्की सी परत, फिर उसके ऊपर आप एक लेयर जब लगाओगे, उससे ब्रश लेंगे, ब्रश के ऊपर उसके कलर लगाएंगे, दोबारा से पानी से सिंपल पानी उसके ऊपर फेरेंगे, तो वाटर कलर जो पेंसिल होती है वो क्या होती है, वो फैल जाती है, कलर अपने आप ही वो वाटर की तरह उसमें मिक्स होने लगती है। तो जब पहला आपको जब परत सूख जाए तो उसमें और ज़्यादा, जब हम सेकेंड टोन देना चाहते हैं कलर में, तो उसके बाद हम दोबारा से पेंसिल दोबारा से उस पर अप्लाई करेंगे, फिर दोबारा ही हम उसको लेयर माध्यम से अब उसमें पेंसिल को दोबारा उसके ऊपर ब्रश अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से वो लेयर बाय लेयर, इस जो ये आर्ट वर्क है, अगर हम वाटर कलर पेंसिल यूज़ करते हैं तो ये लेयर बाय लेयर हमें काम करना होता है। अगर सपोज़ आपने पहले पहली लेयर अगर आपकी अच्छे से सूख गई है, आपको और डिटेल देना है, टोनल वैल्यूज़ और ऐड करनी है, तब आप उसमें और ज़्यादा पहले पेंसिल से काम करेंगे, फिर उसके बाद जब वो सूख जाती है तब उसके ऊपर आप अपना ब्रश स्ट्रोक, यानी उसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी लगाकर उसके ऊपर फेरेंगे, जब वो फिराते हैं तब वो कलर उस एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो जो इफ़ेक्ट होता है वो बिल्कुल ही वाटर कलर की तरह ही वाटर कलर पेंसिल देती है। जैसे और इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, जब आप कलर अप्लाई करते हो तो उसमें इसके अंदर क्या है, ट्रांसपेरेंसी होती है। फिर नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि वाटर कलर में के ही, वाटर कलर पेंसिल के ही और भी क्या टेक्निक हो सकते हैं। तो सॉल्ट पेंटिंग, यानी कि नमक के द्वारा आप कैसे पेंटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाटर कलर पेंसिल से फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले रंग भरेंगे,
फिर ब्रश में पानी लगाकर आकृति पर फेरने से रंग फैल जाता है। अब उसके ऊपर जब रंग फैल जाए अच्छे तरीके से, तो आप अपने अकॉर्डिंग रंग आपने फैला लिया, फिर उसके बाद जो वेट है, गीला ही रहेगा पेपर आपका, उसके ऊपर ही आपको हल्का सा नमक डालना है, कहीं कहीं ज़्यादा कहीं थोड़ा सा कम। अब जब उसके बाद आपकी कलाकृति सूख जाए, जो आपने जिसमें रंग भर रखा है उस आकृति में, जब नमक फिर नमक जब हटाएंगे, तो नमक हटाने से आप ये देखेंगे कि उसके विभिन्न जहाँ से नमक हटता नमक डालते हो आप, वहाँ पे वो कलर अपनी जगह से हटा देता है और उसे एक टेक्सचर क्रिएट करता है। तो वो टेक्सचर आप इस आकृति में देख सकते हैं कि जैसे ये दो फिश बनाई हैं, दो मछलियाँ बनाई गई हैं, तो आपने अपने अकॉर्डिंग उसमें पहले सबसे पहले पेंसिल कलर से कलर कर लेंगे, फिर उसके बाद जब आप वाटर कलर यानी जब ब्रश के द्वारा उस पर जब फेरेंगे, तो फिर नमक जब अप्लाई करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से टेक्सचर कलरफुल बना देती है। तो उसका आप उपयोग इस तरह से कर सकते हैं कि अपनी आकृतियों में, या बैकग्राउंड बनाने के लिए भी कर सकते हैं, यानी कोई आपको कलरफुल पेपर प्रिपेयर करना है आपके पास नहीं है, तो आप वहाँ पर इस तरह से इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। इसका और भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम ये देखते हैं कि ऑयल कलर यानी ग्राफिटो स्क्रैच टेक्निक किसे कहते हैं। ग्राफिटो टेक्निक बेसिकली ऑयल पेस्टल हम मोस्टली अपनी कलर स्कीम में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। छोटे बच्चों के लिए यह अच्छा मीडियम है, ड्राई मीडिया होता है, तो और ज़्यादातर बच्चे इसमें काम करने में कंफर्टेबल होते हैं। तो वजह इसमें क्या है कि पानी के नहीं होता, बच्चों के कपड़े गंदे नहीं होते और उसको ईजिली वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस टेक्निक में हम ये देखते हैं कि ऑयल पेस्टल में एक्रेलिक सबसे पहले ऑयल पेस्टल कलर करेंगे, सबसे पहले ऑयल पेस्टल कलर करेंगे, फिर उसके ऊपर आप वो एक्रेलिक कलर या तो आप पूरा ऑल ओवर फिल कर देंगे, उसके ऊपर जब कोई भी नुकीली चीज़ से उसके ऊपर आपने जो भी आपने कलाकृति बनानी है, जैसे मैंने इसमें इस चित्र में देखिए कि मैंने एक लीव बना रखी है, तो उस लीव के माध्यम से जब उसका आकृति आप देंगे, तो उस आकृति को जब आप नुकीली चीज़ से निकालेंगे बाहर, तो वो क्या होगी, उसके अंदर का जो कलर अप्लाई किया है वो कलर बाहर की तरफ आ जाता है। तो इस तरह से स्क्रैच करना है, यानी जो आपने सरफेस तैयार कर रखा है उस सरफेस को स्क्रैच करना है, यानी नुकीली चीज़ से उसका कलर जब बाहर निकालेंगे, जो ब्लैक कलर आउटलाइन होती है, फिर अंदर से वो कलरफुल जो रिफ्लेक्शन आपने पहले क्रिएट कर रहा हो करके रखा होता है, यानी पहली लेयर आपने पहले क्या किया, सबसे पहले आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, उसमें आपने अपनी कोई आकृति बनाई, फिर उसमें फ्लैट कलरिंग से ऑयल पेस्टल के दो तीन कलर लेकर के आपने उसको कलर को पूरा फिल कर लिया, फिर उसके ऊपर आपने ब्लैक वाटर कलर यानी पोस्टर कलर अप्लाई किया, या आप एक्रेलिक कलर भी उसके ऊपर फिल कर सकती है, पूरा फुल कर दीजिए, फिर उसके बाद कोई नोकीली चीज़ लग के मनपसंद जो भी आपका एक्सप्रेशन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए एक अच्छा माध्यम बन सकता है, तो इसे हम ग्राफिटो स्क्रैच टेक्निक भी कहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे ये, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कलर फिल किया, फिर स्क्रैच करने के लिए जैसे फोक होती है, फोक का भी आप यूज़ कर सकते हो, या आप ब्रश है, ब्रश का पीछे पीछे जो पहना हिस्सा होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद हम ये देखते हैं कि सैंड पेपर पेंटिंग, यानी इसमें भी हम वैक्स ऑयल पेस्टल कलर यूज़ करके हम किस तरह से सैंड पेपर पेंटिंग क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो पहले जैसे हमने एक सैंड पेपर लिया, इसमें हम देख सकते हैं इस वाले उसमें आकृति में कि एक सिंपल पहले सैंड पेपर आपको लेना है, उस सैंड के ऊपर आपने कोई भी अपनी कलाकृति, एक जैसे मैंने इसमें लैंडस्केप, सिंपल लैंडस्केप जो कि आप थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ क्लास के बच्चों से भी करवा सकते हैं, जिसमें आप फर्स्ट स्टेप जो बच्चों का होता है, जैसे सेकेंड क्लास है, तो जाहिर है सेकेंड क्लास को करवाने के लिए आपको क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल की नहीं, उसमें आप बेसिक फॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराते हैं उनको। लेकिन जब आप वही थर्ड या फोर्थ क्लास के बच्चों से काम करवा रहे होते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको थोड़ी बहुत डिटेलिंग ऐड करते हैं हम। तो सैंड पेपर में हम, आप सबसे पहले इसकी विधि मैं आपको बताती हूँ कि इसकी विधि यह है कि सबसे पहले टेक्निक में आप एक ब्लैंक सैंड पेपर लेंगे, सैंड पेपर लेने के बाद उसके ऊपर ऑयल पेस्टल कलर से आपने उसमें ड्राइंग फिल कर रखी है, फिर उसके बाद ऑयल पेस्टल धीरे धीरे उसके ऊपर फेरेंगे, तो उससे क्या होता है, बिल्कुल जैसे फेल्ट होता है, जो सॉफ्टनेस उसकी होती है, जैसे फेदर का लुक इसके अंदर आता है। तो सैंड पेंटिंग भी एक इंटरेस्टिंग पेंटिंग है, तो आप इसको अपनी क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी पोर्टफोलियो में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप इसका है दूसरा, हम देखते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग।
ब्लॉक प्रिंटिंग बेसिकली क्या है, ब्लॉक प्रिंट सबसे पहले जानते हैं किसे कहते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग बेसिकली होती है कपड़े या कागज़ के ऊपर छापा की विधि से विभिन्न आकृतियां या वस्तुएं से, जैसे नेचुरल जो प्राकृतिक वस्तुएं जैसे कि सब्जियां होती हैं, जैसे भिंडी हैं, प्याज हैं, पत्ते हैं इत्यादि, या आप आर्टिफिशियल चीज़ों से जैसे कि आप जैसे कोई भी फ्लैट सरफेस है उसके ऊपर जब आप इंग्रेविंग करते हो, इंग्रेव करके एक अपने मनपसंद आकृति तैयार करते हो, तो उसके ऊपर हम कलर लगाकर जब हम उसका छापा लेते हैं तो हम उसे ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। अब ब्लॉक प्रिंटिंग में सबसे एक तरीके से एग्जांपल इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब जो छोटी क्लास होती है इसमें हम ये देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट है, अब इसमें मैंने अनियन लिया यानी प्याज लिया है, प्याज को आप बीच में सरफेस पे कट करेंगे तो उसका जो शेप होता है, अब उसके ऊपर आप पहली लेयर एक बार कलर वाटर कलर यानी या पोस्टर कलर आप उसके ऊपर लगाएंगे। अब दूसरे सरफेस में जैसे फर्स्ट स्टेप था उसमें आपने ड्राइंग की, उसमें आपने लीव में कलर फिल किया, फिर थर्ड स्टेप में जहाँ पर उसको फ्लावर्स बनाने हैं वहाँ पर आपने जो प्याज आपने लिया उसमें कलर अप्लाई किया, अब उसका एक छापा लेंगे तो इस तरह की एक आकृति आपको मिलेगी। अब इसका प्रयोग आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। आप इसमें बच्चे क्या है फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, उनको डिज़ाइन किस तरह से बनानी है और किस तरह से जैसे छोटी छोटी चीज़ें अपनी कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, वो इस जैसे कवर पेज अपना डेकोरेट करना है उनको, या आप उनके लिए कुछ और भी आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि कोई पिलो कवर है या हैंकी है या अपनी टी शर्ट है या शर्ट है, इस तरह से वो क्लोथ के ऊपर भी कर सकते हैं अप्लाई या पेपर पे। बस अगर क्लोथ के ऊपर आप कपड़े के ऊपर अगर आप प्रिंट लेते हैं, ब्लॉक प्रिंट लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो हम कलर इस्तेमाल करेंगे वो एक्रेलिक कलर होना चाहिए, पोस्टर कलर नहीं, क्योंकि पोस्टर कलर वो जल रंग होता है, वो वाटर के साथ जब वो संपर्क में आता है तो उसका कलर ख़राब कर देगा। एक्रेलिक कलर है, वाटर के संपर्क में आने के बाद उसको कोई असर उस पर नहीं पड़ता है। इसके और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं छापा कलर के, जैसे ये है। अब इसमें मैंने क्या है, एक ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें पहले पिक्चर जो आपको देख रहे हैं, इस पहली पिक्चर में हमने लेडी फिंगर यानी भिंडी लिया है और भिंडी को कट करके उसका शेप तैयार किया है। अब इसका हम प्रयोग कहीं बॉर्डर बनाने के पर्पज़ से भी कर सकते हैं या कोई बेडशीट डिज़ाइन करने के पर्पज़ से भी कर सकते हैं। अब दूसरा जो मैं दिखा रही हूँ आपको, इसमें ये क्या है, अनियन है यानी प्याज लिया है, प्याज को कट करके उसका छापा लिया है। तो ये जो छापा चित्रण है इसका हम बहुत ज़्यादा उपयोग अपनी क्लासरूम में करवा सकते हैं और इसके बहुत ज़्यादा उपयोगी कला है। बेसिकली क्या है कि जब भी आप या तो ड्राइंग यानी कि आप बच्चे कोई भी आपके पास प्लेन टी शर्ट है उसको डेकोरेट करने के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। ये मल्टीपल तरीके से एक ही जैसी चीज़ें अगर हमारे जैसे कोई हम कैंपेन कर रहे हैं, आप सबको एक जैसी ड्रेस चाहिए, एक लोगो बनाना है, तो उसमें आप कोई भी एक मोनोग्राम बना करके उसके ऊपर कलर अप्लाई करके उसका छापा ले सकते हैं। तो एक इजी वे मेथड है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, एक तो तरीका हो गया नेचुरल प्रोसेस, दूसरा हम ये तरीका देखते हैं कि हम किस तरह से और क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर्म प्रिंटिंग स्टाइल देखते हैं। तो फॉर्म प्रिंटिंग में स्टायरोफॉर्म में गहरी रेखाएं खींचना और कागज़ पर इस छवि को हस्तांतरित करने के लिए स्याही या पेंट का उपयोग करना शामिल होता है। यह ब्लॉक प्रिंट और का सबसे सुरक्षित और छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा तरीका है यानी सुलभ तरीका है। तो इसमें आप ये देखिए, जैसे स्टायरोफॉर्म प्लेट मतलब जो हम डिस्पोजेबल नॉर्मली हम प्लेट अपने घरों में यूज़ करते हैं, उसका हम एक स्क्वायर पीस ले लेंगे। अब उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग, जैसे जो बच्चे इंग्रेव नहीं कर पाएंगे बहुत ज़्यादा, कोई भी जैसे कोई नोकीली चीज़ उसको आप नहीं दे सकते, तो छोटे से बहुत कोई भी एक हल्के से नोकीली आप उनको जैसे ब्रश का बैक का हिस्सा आप दे सकते हो, उसके थ्रू एक ड्राइंग में उसके बहुत तेज़ी से थोड़ा सा दबा कर उसको प्रेस करना होता है, या पेंसिल से भी वो काम कर सकते हैं। तो ड्राइंग की तरह उसको थोड़ा सा प्रेस करना है, फिर उसके बाद एक क्या है लाइन बन जाती है। अब उसके ऊपर जब आप कलर अप्लाई करोगे तो वो जो लाइंस हैं वो आपको नेक्स्ट में जो थर्ड है स्टेप, उसमें थर्ड स्टेप में आप देख सकते हो कि उसमें कलरफुल इस तरह से लाइन इमेज मिलती है ब्लॉक प्रिंट की तरह। तो इसका भी आप अपनी जो छोटी क्लास होती है जैसे फर्स्ट सेकेंड है या थर्ड क्लास है, तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो फोम प्रिंटिंग का, ब्लॉक प्रिंटिंग का बेसिकली एक ही दूसरा माध्यम है, नया माध्यम है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं लाइन पेंटिंग। बेसिकली लाइन पेंटिंग भी हम जैसे बच्चों को
उनकी आर्ट वर्क में एक लाइन ब्रश के द्वारा लाइन बनाना, या जो फिफ्थ क्लास का अगर स्टूडेंट है तो उसको आप लाइन के द्वारा यानी डायरेक्टली ब्रश से अप्लाई करना सिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास छोटे क्लास है और छोटी क्लास है तो उसके लिए आप ये कर सकते हो, स्केच पेन ले सकते हो, स्केच पेन से उसको अपनी कलाकृति में लाइन भरना वो सिखा सकते हैं। जैसे कोई भी आकृति उसने पहले ड्रॉ की, अब उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो क्या कर देगा, उसको कलर फिलिंग के लिए अलग अलग माध्यम आपको बताना है। तो उस माध्यम में आप जब लाइन पेंटिंग करोगे, जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं, तो लाइन पेंटिंग के उस कलरिंग के लिए एक बस स्केच पेन के थ्रू भी लाइंस के द्वारा उस कलर को फिल करना है। तो इससे कलर क्या है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और आप इसका यूज़ जो है कहीं पे भी, जैसे आप कार्ड बना रहे हैं, बच्चों को कार्ड बनाना सिखा रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये इस तरह की उपयोगी कला यानी बॉर्डर बना सकते हैं, और कलर जो भी आकृति है उसमें अट्रैक्टिव ढंग से एक नए माध्यम से लाइन के द्वारा, सिंपल लाइन के द्वारा उसमें फिलिंग करनी होती है। तो ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग मीडियम है जो आप अपने स्टूडेंट के साथ अप्लाई करवा सकते हो, या आप खुद भी अपनी पोर्टफोलियो में जो आपकी एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है, हर जितनी भी स्टेप्स हैं, जैसे लाइन पेंटिंग हो गई, सॉल्ट पेंटिंग हो गई, तो इसका भी एक आपको भी एक पहले प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है। तो वो आप डे बाई डे अपने अपने एक एक आर्ट वर्क को उसमें प्रैक्टिकल फाइल में सेव करके रखनी चाहिए। मोज़ाइक पेंटिंग की जो टेक्निक है बेसिकली है कि रंगीन कांच, पत्थर या अन्य कोई भी सामग्री होती है जो छोटे टुकड़ों को संयोजन से बनाया जाता है। यानी कोई भी आपकी कलाकृति है, अब उसमें क्या करना है, छोटे छोटे पेबल्स पत्थर होते हैं उसको आप उसमें फिल करते हो। अब इसका एक नया, जैसे इस स्टेप में आप देख सकते हो कि पहले एक फिगर एक मैंने ड्राइंग की, अब उसमें दूसरा स्टेप क्या है कि आप इसको पेपर कटिंग करके मोज़ेक की तरह स्क्वायर पीसेज में या ट्रायंगुलर पीसेज में कट करके उसके ऊपर पेस्ट करवा सकते हैं, या हम स्केच पेन लेकर के उसी स्टाइल में त्रिभुज या चतुर्भुज की स्टाइल में उसमें कलर फिलिंग करा सकते हैं। तो ये इससे बच्चों में क्या होगा, एक पेशेंस एक तरीके से उसमें पैटर्न क्रिएट करते हैं और मोज़ाइक पेंटिंग क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से इसका और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे ये है, भिन्न भिन्न तरीकों से एक ही कलर का एक पैटर्न मोज़ाइक की स्टाइल में उसको पेंटिंग को कंप्लीट करना। अब उसके लिए वो पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, या आप उसको कलरफुल पेबल यानी पत्थर भी उसमें पेस्ट करवा सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है। फिर नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग बेसिकली बिहार की एक लोक कला है। अब इसमें ये देखते हैं कि उसमें कौन कौन से स्टेप हैं जिसको हम इजीली अपने कलाकृति में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे इसमें ये हम देख रहे हैं कि इसके कुछ बेसिक्स फॉर्म होते हैं। मधुबनी पेंटिंग में लाइन ड्राइंग होती है, बेसिकली ब्लैक कलर आपको काले रंग से उसकी आउटलाइन तैयार करनी होती है। तो जो थोड़े से मैच्योर आर्टिस्ट होते हैं वो उसमें ब्रश के थ्रू वो लाइन क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, लेकिन आपको ये करना है कि वो जो लाइन ड्राइंग है वो आप पेन के साथ भी यूज़ कर सकते हो या ब्लैक स्केच पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि लाइन्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो लाइन के द्वारा आप जो भी जैसे पत्तियाँ हैं, फूल हैं, अब उसमें एक बेसिक फॉर्म होता है कि जो भी दो लाइनें यूज़ की जाती हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि दो भी जो जो पेंटिंग्स क्रिएट की गई हैं उसमें दो दो लाइंस यूज़ की गई हैं, और उसकी जो फिलिंग है एक बार फ्लैट सरफेस, उसमें बहुत ज़्यादा टोनल वैल्यूज़ नहीं क्रिएट किए जाते हैं कि डेप्थ और लाइट दिया जाए, फ्लैट कलर अप्लाई किया जाता है, और उसके ऊपर जो पेंसिल के जो लीव्स की फिलिंग होती है उसमें लाइंस इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसका ये बहुत ही एक अच्छा माध्यम है, इसको भी आप अपनी क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसके और भी एग्जांपल ये हैं, बस इसकी ये इम्पॉर्टेंस है आपको माइंड में रखना है कि डबल लाइंस होती हैं और लाइंस जो मोस्टली जो भी होंगी और लाइंस का यूज़ होगा और ब्लैक कलर की आउटलाइन होती है, और कलर जो अप्लाई होगा वो फ्लैट कलर होगा, उसमें कोई भी टोनल वैल्यूज़ ऐड नहीं होती हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टोन होती है, वो वेरिएशन इसमें नहीं होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप हम ये देखते हैं वर्ली पेंटिंग। वर्ली पेंटिंग भी एक लोक कला है जो कि महाराष्ट्र की है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो इसका सरफेस होता है प्रायः ये होता है कि ब्लैक पे सफ़ेद से यानी काले कलर का कलर पहले करते हैं, फिर उसके बाद सफ़ेद कलर से इसकी पेंटिंग की जाती है। अब उसका और भी तरीके से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे इसके टेक्निक या बनाने की तकनीक होती है कि वाइट कलर या तो चावल, मोस्टली जो विलेजेस में यूज़ की जाती थी वो चावल लेते थे, चावल को पीस करके उसके वाइट कलर इस्तेमाल करते थे। आज हमारे पास वाइट कलर बहुत ज़्यादा वेराइटी में मिली होती हैं, स्केच पेन भी वाइट कलर के आते हैं।
बेसिकली पेन आते हैं वाइट कलर के, तो उसका भी यूज़ हम अपनी ड्राइंग पहले बना करके, यानी ट्राइंगुलर जो इसकी फिगर हम देखते हैं वो क्या होती है, ऊपर से त्रिभुज और नीचे से त्रिभुज बनी हुई और ऊपर एक सर्कल होता है, तो वो एक फिगर होती है। उसमें ज़्यादातर माध्यमा जो होती है उसमें आपको ब्लैक या वाइट एक ही कलर में ज़्यादातर जो ट्रेडिशनली किया जाता है वो किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी और चीज़ें हैं जो आप ये देख सकते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंट आप डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। जो और ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक बैकग्राउंड जो होता है वो ब्राउन कलर का भी होता है, वाइट से आप उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसे आप क्लासरूम की दीवारों पर बच्चों से सामूहिक रूप से भी काम करवा सकते हैं। इसका और भी एग्जांपल जैसे हम ये देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हम जो ट्रेडिशनल कलाकृतियाँ चली आ रही हैं हम उसी में बाउंड हो, हम उसमें और भी एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि कलरफुल बैकग्राउंड जो हमने अभी लास्ट उसमें पढ़ा है कि क्रेयॉन कलर्स को जो ऑयल पेस्टल कलर को पेस्ट करके फिर उसके बाद इंग्रेव करके इस तरह से भी हम ड्राइंग कर सकते हैं, जो कि वर्ली माध्यम से अच्छा एक एक्सप्रेशन है। यानी जो आपको बस टेक्निक पता होनी चाहिए आप उसको डिफरेंट तरीके से अपने आप को उसमें एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी चाहिए डिफरेंट तरीके। अब उसके बाद हम ये देखते हैं पेपर कोलाज। कोलाज का पेपर कोलाज जैसे इस पेपर कोलाज बेसिकली कोलाज पेस्टिंग को कहते हैं, चाहे आप पेपर है, क्लोथ है, बटन है, दाल है, चावल है, यानी कोई भी इस तरह से कोई भी चीज़ें जब आप किसी सरफेस पे पेस्ट करते हो, यानी चाहे वो सरफेस हो सकता है कागज़ हो सकता है या कैनवास हो सकता है, उसके ऊपर जब आप पेस्ट करते हो तो उसे हम कोलाज कहते हैं। पेपर कोलाज में बेसिकली क्या है, पेपर को या तो आप काट करके बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पेस्ट करते हैं या पेपर को फाड़ करके उसको पेस्ट करते हैं। इसमें आप पुरानी फटी मैगजीन भी यूज़ कर सकते हैं, अपने पे जो आपके पास वेस्ट मटेरियल पेपर होते हैं वो पेपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से पेपर कोलाज के माध्यम से आप अपने एक सस्ता और अच्छा माध्यम होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने जो आपको शो किया है वो ये है कि एक वन का सीन दिखाया है। पेपर फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं जस्ट पेपर को फोल्ड करके, उसमें कोई भी कटिंग या हम फर्स्ट या सेकंड क्लास के बच्चों से यूज़ करवा सकते हैं। तो पेपर फोल्डिंग में जैसे मैंने फर्स्ट सिस्टम में दिखाया कि पहले सिंपल एक पेपर लिया है, फिर उसको ट्राइंगुलर में काट लिया है, फिर उसके बाद उसको पेस्ट फोल्ड किया और उसके जब मोड़ा है तो उसमें ये सारे स्टेप्स आप ध्यान से देखें, फिर उसके बाद जब मोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक बटरफ्लाई का शेप है। तो इस स्टेप में यानी एक तितली बना सकते हैं। तो इसी तरीके से और भी माध्यम आप सर्च करिए जो कि आप अच्छे तरीके से इस तरह से पेपर फोल्डिंग के माध्यम से आप अपनी कलाकृतियों का निर्माण कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं, जैसे ये है सिंपल पेपर फोल्डिंग है कई स्टेप्स में, फिर इस पेपर फोल्डिंग के माध्यम से हम दूसरे तरीके की बटरफ्लाई भी बना सकते हैं। तो अलग अलग तरीक़ों से अपने आप को हम अपने क्लासरूम को, बैकड्रॉप को या बच्चों की चीज़ों बच्चों के जो कवर पेजेस होते हैं उनको हम डेकोरेट करने के लिए पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट उसके बाद हम ये देखते हैं मिश्रित मीडिया। मिश्रित मीडिया बेसिकली वो कलाकृति होती है जिसमें एक से अधिक के माध्यम या सामग्री को नियोजित किया जाता है। जैसे इसमें हम ये देख रहे हैं कि इस जो सेकंड पेंटिंग है इसमें हमने एक कागज़ को पेस्ट किया है, कागज़ को पहले कागज़ है ये जो नॉर्मल अखबार होता है न्यूज़पेपर है उसके ऊपर और उसके बैकग्राउंड में कलरिंग की है, पोस्टर कलर अप्लाई किया। अब इसमें डिफरेंट मीडिया है, यानी मैंने यहाँ पर कई सारी चीज़ें जैसे पेपर है, पेपर कोलाज भी है, उसमें मैंने कलर भी अप्लाई किया है, उसमें मैंने लाइंस भी यूज़ की हैं। तो ये एक तरीके का मिश्रित इस तरह की जो भी माध्यम होगा जिसमें आप वाटर कलर, ड्राई मीडिया या दो तीन मीडिया जब आप यूज़ करते हैं तो उसे हम मिश्रित मीडिया कहते हैं। अब नेक्स्ट इसे हम देखते हैं क्ले मॉडलिंग। क्ले मॉडलिंग से हम क्या क्या करवा सकते हैं, क्ले का आपने पता है कि क्ले कितने तरीके की होती हैं, तो कलरफुल क्ले से हम ये देख सकते हैं कि सिंपल सर्कल बना करके या उसका हम इस तरह से रंगोली भी बनवा सकते हैं बच्चों से, और क्ले क्वाइल की तरह यानी जो क्ले क्वाइल को यूज़ करके हम क्या देखते हैं पॉट भी बनवा सकते हैं। इसके और भी डिफरेंट तरीके हैं, जैसे ये देख सकते हैं हम एग्जाम्पल्स कि किस तरह से पॉट, डेकोरेटिव पॉट, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। तो जिस तरह आप अलग अलग तरीके से इन सारी चीज़ों का आप अपनी क्ले के माध्यम से अपने आपको अपने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो हम स्टेप देखते हैं उसमें यह है कि पपेट बनाना। अब इसमें हम ये देखेंगे कि पपेट जो है, जैसे आपके पास वो होते हैं सॉक्स होते हैं वो ख़राब होते हैं या पेपर ख़राब है तो उससे फिंगर पपेट हो गया या हैंड पपेट हो गया, तो इस तरह से आप पपेट भी बनवा सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम ये देखते हैं मास्क मेकिंग।
मास्क मेकिंग भी कई तरीके की होती है, बेसिकली जैसे फेस मास्क हो गया, आई मास्क हो गया, और या फॉयल के द्वारा मास्क बनाना। तो इसका एक एग्जांपल यह है कि जैसे आप सिंपल एग्जांपल लेंगे कि एक जो हमने पहले डिस्पोजेबल प्लेट्स के बारे में बात की थी, तो ये डिस्पोजेबल प्लेट बस यूज़ किया गया है, उसमें बट शेप ऐड करके एक टाइगर का शेप बना करके उसका फेस मास्क क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट उसमें हम देखते हैं सिर्फ आई मास्क बनाया गया, उसमें एक पेपर में आई शेप क्रिएट किया गया है, और आई शेप के बाद उसकी उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करके उसके थ्रेड बांधेंगे और फिर वो आई मास्क तैयार हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो हम ये तीसरा देख रहे हैं, इसमें यह है एक ये फॉइल पेंटिंग है, फॉइल जो कि आप नॉर्मली घरों में अवेलेबल होता है, उसको आप लेयर बाय लेयर जब आप पेस्ट करते हो और फिर उसके बीच में कटिंग कर देते हो, उसका शेप अपने फेस पे रख के उसी के अकॉर्डिंग शेप ले करके फिर ड्राइंग करके आप उसकी कटिंग करते हो, तो ये फॉइल मास्क का एग्जाम्पल है। इस तरीके के और भी मास्क आप जैसे एक बलून बना करके उसके ऊपर पेस्टिंग करके और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग पेस्टिंग जैसे पेपर पेस्ट करके भी आप अपने आर्ट वर्क को फिनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ क्राफ्ट। क्राफ्ट में जैसे बेसिकली बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, यानी जो भी आपके पास वेस्ट मटेरियल है उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि कोई भी माध्यम में ना हमें बाउंड नहीं होना चाहिए। हमारे पास कुछ आइडियाज़ हैं जो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, बट बहुत सारी चीज़ें ये क्रिएटिविटी खुद से ही आपको एक्सप्लोर करनी होती है। बस क्राफ्ट के मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ, जैसे कि ये ख़राब बॉटल हमारे पास पड़ी होती है, तो हम इसका किस तरह से एक यूटिलिटी बॉक्स की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। इसका आपको स्टेप्स देखते ही इसको आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम ये देखते हैं उसी बॉटल को हम किस तरह से पेन स्टैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास पेपर ख़राब पड़े होते हैं तो उसको आप एक शेप में ट्री बना सकते हो। और यहाँ पे आप देखिए, आपके पास बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारी मटेरियल, यानी ये सारी मटेरियल आपको घरों में इजीली अवेलेबल मिलती हैं, तो इसे हम क्या क्या चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हैं। और भी जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैच स्टिक है, मैच स्टिक का ड्रॉ बना सकते हैं आप, और सिर्फ पेपर है, न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर की फोल्डिंग से आप एक टोकरी और उसके कवर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर और उसके बाद और भी आप एग्जांपल जैसे ये है, इसमें आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास नारियल के फालतू ऊपर के हिस्से पड़े मिलते हैं, तो उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लकड़ी है, उसका फ्रेम बना सकते हैं। आपके पास ग्लासेस हैं, वॉल हैंगिंग बना सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट मटेरियल, और इस स्टेप में आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बलून ले लिया, बलून के ऊपर पेपर पेस्ट करके एक उसके ऊपर से जब हाफ आप कट करते हो, तो हाफ जब कटिंग करेंगे तो बॉल की शेप में आपको मिलेगा, तो उसका आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको एक्सप्लोर करना है कि किस तरीके से आसपास जो आपके वेस्ट मटेरियल पड़े हैं उसको हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करती हूँ कि आपको जो हमने जितनी भी टेक्निक डिस्कस की हैं, जो भी आर्ट फॉर्म के विजुअल आर्ट का किस तरह से आप डिफरेंट माध्यम से जो हमारे पास बहुत सारे मटेरियल होते हैं, उस मटेरियल को किस तरह से यूटिलाइज करके एक प्रोडक्टिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और जिसका इस्तेमाल आप अपनी क्लासरूम में कर सकते हैं, और आपको अपनी एक खुद की भी एक पोर्टफोलियो और प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी चाहिए। धन्यवाद।